चलिए अब आपको सीधा गांधी सर्किल लिए चलते हैं, वहां पर बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद हैं, दिग्गज मौजूद हैं बीजेपी के, जिनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद हैं। पहले विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बजट सत्र को लेकर के बैठक होती है, अब उसके बाद धरना प्रदर्शन। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कौन कौन सी मांगे जिनको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद है, कई नेता यहाँ पर मौजूद है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद है, तो वहीं सतीश पूनिया भी मंच पर मौजूद है और कई अन्य विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर क्या जा रहा है, बड़ा बैनर लगाया गया है, रीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ सीबीआई से जांच की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और साथ ही शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन जिस तरीके से बैनर में भी ये लिखा हुआ है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कांग्रेस सरकार के इशारों पर हमला हुआ, ऐसी बात लिखी हुई है और उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कौन कौन सी मांगे आज के धरने में? हम सबके नेता, हम सबके मुखिया आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है, गांधी सर्किल पर दे रही है बीजेपी धरना। अब बीजेपी की ओर से धरना दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है, धरने में वसुंधरा राजे भी मौजूद है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है और कई विधायक यहां पर बीजेपी के मौजूद हैं, जिनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रीट भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग उठाई जा रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। तो वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को काले झंडे दिखाने के मामले ने भी लगातार तूल पकड़ा हुआ है, ऐसे में उस मामले को भी इस धरना प्रदर्शन के जरिए उठाया जा रहा है और मांग ये की जा रही है कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। काले झंडे दिखाने का जो पूरा मसला है ये बेहद गंभीर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मोर्चों के कार्यकर्ता का खून गिरेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक बात और निवेदन, अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और अभी क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और विधायकों का धरना है, कार्यकर्ताओं का और विधायकों की मौजूदगी में जो नेता यहाँ पर मौजूद है उनमें गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा समेत अन्य विधायकों की मौजूदगी है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक हैं, हालांकि कई विधायक इस धरने में नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। रीट प्रकरण की सीबीआई जांच को लेकर इनकी मांग है और कुछ देर पहले ही वसुंधरा राजे इस धरने में पहुंची है। थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों को लेकर रणनीति बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो रहा वो विधायक दल की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि जब वसुंधरा राजे ने एक बात कही उस बैठक में, उसे लेकर प्रत्युत्तर भी दिया गया। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों की तरफ से इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। आज की विधायक दल की बैठक काफी चर्चाओं में रही है कि
प्रकरण को लेकर, लेकिन फिलहाल जो है धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। धरने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, विधायकों की मौजूदगी है, जयपुर शहर और देहात के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मौजूदगी है। वसुंधरा राजे काफी लंबे समय बाद जयपुर शहर में जो धरना है उसमें आई है। जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे भी मौजूद है और देखिए एकजुटता की तस्वीर और एकजुटता के साथ आवाज बुलंद की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए एक मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले एक मैसेज देना चाहती है और उस मैसेज के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रही है। युवाओं का समर्थन अपने साथ लेना चाहती है रेट के पक्ष पर, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग है और सियासी लाभ भारतीय जनता पार्टी यहां पर लेना चाहती है इस रीट के प्रकरण का। और इस पोस्टर पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है रीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन। सबसे ऊपर की जो लाइन है इस पोस्टर पे यही लिखी हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्या, अब उपनेता प्रतिपक्ष भाषण शुरू हो चुके, हाँ संबोधित कर रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे डॉक्टर सतीश पूनिया जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, राजस्थान के आवाम की अगुवाई कर चुकी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, धरने में शामिल भारतीय जनता पार्टी के 64 से ज्यादा मान्य विधायकगण, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और सभी निर्वाचित प्रतिनिधिगण और मित्रों, यह पहला मौका है राजस्थान की बूढ़ी हो चुकी सरकार अपना चौथा बजट और बजट सत्र का आगाज कल कर रही है और मुख्य प्रतिपक्ष दल के सारे विधायक अपने अध्यक्ष की अगुवाई के अंदर गांधी जी की इस मूर्ति के नीचे सरकार का मातम मना रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं आज मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़कर, उन्होंने कहा मैं बड़े भारी मन से रीट की परीक्षा रद्द कर रहा हूं और रद्द इसलिए कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के लोगों ने नॉन इश्यू को इश्यू बना दिया और अपनी केंद्रीय सरकार के कहने से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर आपका मन तो भारी होना ही चाहिए क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का चर्रे चर्रे और कोने कोने में बैठा हुआ कार्यकर्ता इस रीट की चीट के आपके इस निरालेपन को पहचान चुका है। अध्यक्ष जी, इसके तार उस शेखावाटी से जुड़े हैं जिस शेखावाटी से मैं आता हूं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा एक दो नहीं अपने कुनबे के साथ साथ लोगों को साक्षात्कार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इतने नंबर दिला चुके थे कि पूरे कुनबे को उन्होंने उपकृत कर दिया और इसीलिए शेखावाटी के अंदर लोग पूजा करने लग गए। हमारी बेटियां बोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मुझे सासरा, पीन चाहे कैसा दे दे सुसरा दे जोटासरा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बोले की पूजा करने वाले हमारे बहुत से लोग वो जिनके मन में आशा जगी कि जब डोटासरा जी में इतनी ताकत है तो ऐसा ही सासरा हमें क्यों नहीं मिले। और मैं समझता हूं कि इसी बात इसी प्रकार की परिपाटी अभी मुझसे पहले बहुत से लोगों ने बहुत से रीट के संबंध में बात कही, सरकारें पहले भी रही, सरकारें तो आई और चली गई, लेकिन इन तीन वर्षों में राजस्थान की प्रजा के साथ, राजस्थान की जनता के साथ जो भीषण अन्याय हुआ है, जो कुठाराघात हुआ है, और ये कुठाराघात और न्याय अन्याय सबसे पहले राजस्थान के उन लाखों बेरोजगारों
साथ हुआ है। 30 लाख बेरोजगार जो रोजगार की आस में थे, आपने ही कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे। आपका जन घोषणा पत्र बोलता है रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। आपने किसानों को कहा था और आपके उस अंतर्राष्ट्रीय नेता ने कलयुग के अवतार ने कहा था, उन्होंने कहा कि दस्तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ कर दूंगा। भगवान कृष्ण भी होते तो शायद उनको भी सोचना पड़ता ये अर्थशास्त्र कहां से लेके आए भला आदमी। राजस्थान पीसफुल स्टेट था, शांतिपूर्ण प्रदेश था, मिसाल दी जाती थी। यहां लोग पर्यटन के लिए आते थे, रिहायश के लिए आते थे, नौकरी के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे। 6,51,000 मुकदमे आज तक हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं, लेकिन इस राजस्थान की धरती पर 6,51,000 FIR इस बात का प्रमाण है कि इस पार्टी का, इस कांग्रेस पार्टी का, इस सरकार का, इस पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। एक लंबी फहरिस्त है लेकिन एक उदाहरण पर्याप्त है कि राजस्थान में जयपुर के एक थाने के थानेदार की गाड़ी के दिन दहाड़े चोर टायर उतार कर ले गए। कौन किसकी रखवाली करेगा? और गुलाब जी भाई साहब ठीक कह रहे थे, ये हमले इसलिए शुरू हुए, इनको लगता था कि बीजेपी के लोग भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारी शराफत देखी है, हमारी नजाकत भी देखी होगी, लेकिन हमारी हिमाकत नहीं देखी। अब वो समय आ गया जब हम अपनी हिमाकत भी दिखाकर बताएं। और इसलिए जब ये सिलसिला शुरू हुआ, रीट का शुरू हुआ, भ्रष्टाचार पर जब उन पर छींटे पड़ने शुरू हुए, कानून व्यवस्था पर जब प्रश्न खड़ा हुआ, मैं परसों जब अलवर से आ रहा था तो मुझे ताजुब हुआ कि एक नौजवान ने खड़े चौराहे पर अपनी उंगली चीर कर खून से पत्र लिखा कि निर्भया को न्याय दो। राजस्थान का एक एक आदमी उस निर्भया के लिए न्याय मांगता है, और वही राजस्थान के लाखों बेरोजगार न्याय मांगने के लिए मैं जगह जगह जाता था पिछले 1.5 महीने से, कभी आदिवासी क्षेत्र में, कभी बीकानेर डिवीजन में, एक ही ज्ञापन मिलता था कि रीट के लोगों को न्याय दिलवाओ। और सच कह रहे थे मेरे से पहले के वक्ता राठौड़ साहब गुलाब जी कि एक सामान्य सा व्यक्ति अपना पेट काट कर इनको